Very good morning, students. So this is our chapter number 3, reproduction in animals. तो reproduction क्या होता है? सबसे पहले reproduction is the process of producing young ones of its own kind. मतलब कि जब human being या animals, insects अपने जैसे कई और अपने young ones को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. तो जैसे ह्यूमन बेबी, एनिमल्स के बेबी, इंसेक्ट्स के बेबी, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो न्यू न्यू बर्थ लेते हैं. तो जो एनिमल बर्थ देते हैं, रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है. या तो कोई एनिमल किसी न्यू एनिमल को बर्थ दे, या फिर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग हैचिंग कि एनिमल एग दे. ओके, तो जो एनिमल बर्थ देते हैं टू देयर यंग वंस, उनको क्या बोलते हैं? मैमल्स. और जो न्यू यंग वंस हैं, वो अपने ओल्ड पेरेंट्स से रिजेंबल्स करेंगे, मतलब उनके जैसे ही दिखेंगे, उनकी जैसी ही प्रॉपर्टी होगी. अगर कोई ह्यूमन बीइंग का बेबी है तो वो ह्यूमन बीइंग ही होगा, ऐसे नहीं कि किसी एनिमल के करैक्टर उसमें आ जाएंगे. तो अनदर टाइप इज दैट गिव्स एग, दैट लेस एग. तो बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स जनरली क्या करते हैं? एग्स देते हैं, और वो एग हैच करते हैं, टूटते हैं, और एक न्यू यंग वन उस एग में से निकलता है. ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज देयर आर द सम पिक्चर्स ऑफ मैमल्स. तो आप इनमें से देख सकते हो कि मैमल्स कौन कौन से हैं. तो पोलर बियर, मंकी, मैन एंड रैबिट, दे आर ऑल मैमल्स. तो मैमल्स की कुछ प्रॉपर्टी दी हुई हैं, लाइक दे ऑल हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, उनके सारे शरीर पे बाल होते हैं. दे हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, कि उनके बाहर की ओर एक दो कान होते हैं, और वो अपने बेबीज को फीड करते हैं विद देयर मिल्क. दे ऑल आर मैमल्स, कि ये सभी क्या हैं? मैमल्स हैं. तो पोलर बियर की स्पेशलिटी क्या है, एडेप्टिव फीचर क्या है? कि उसकी थिक कोटिंग होती है फर की, मतलब कि एक हार्ड कोटिंग होती है उसके स्किन पे, जो उसको विंटर में हेल्प करती है सर्वाइव करने के लिए. ऐसे ही मंकीज और रैबिट्स के भी स्किन होती है, बट सॉफ्ट फर की, जो उनको विंटर में हेल्प करती है. और ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी पे हेयर्स होते हैं, जो उसको हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है, जो सन से आते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज एगलिंग एनिमल्स. तो सेकेंड टाइप हमने पढ़ी थी कि जो भी एग देते हैं वो. तो कुछ बर्ड्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग देते हैं, एग देके अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. तो जब वो एग देते हैं किसी नेस्ट में या अपने किसी प्लेस पे, तो वन ऑफ द टू पेरेंट्स विल टेक केयर ऑफ दैट एग. कि कोई पेरेंट्स में से कोई एक, या फादर या मदर, उसकी एग की केयर करेगा और उस पर बैठेगा, उसके ऊपर सिट करेगा, ताकि जो एग है उसको वार्म्थ कंडीशन मिल सके टू गेट डेवलप्ड. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनक्यूबेशन. और जब उस एग के अंदर बेबी फुली डेवलप हो जाएगा, तो एग ब्रेक हो जाएगा, और जो बाहर की आउटर शेल है, जिसको एग शेल बोलते हैं, वो हैच हो जाएगा और बेबी विल कम आउट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग. तो इंसेक्ट, स्नेक, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल आल्सो लेस बेबी. तो जो एगलिंग एनिमल्स होते हैं, वो अपने बेबीज को थ्रू मिल्क फीड नहीं करते. तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एग दी हुई है आपको. पहले है आउटर शेल,
सबसे पहले है शेल या आउटर शेल। तो आपने अगर एग देखा हो तो उसके बाहर एक वाइट कवरिंग होती है, वाइट हार्ड शेल कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड शेल या शेल। तो ये जनरली थिन इन साइज होती है, और जो उसके अंदर एम्ब्रियो होता है जिसमें कि बेबी, डेवलपिंग बेबी होता है, उसको ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम आउटर साइड। सेकेंड इज एल्ब्यूमेन, तो दिस इज़ अ वाइट जेली लाइक स्ट्रक्चर। तो उसके एग के अंदर, हार्ड शेल के अंदर एक वाइट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमेन। ये प्रोटीन रिच होता है, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन इन इट, इट प्रोवाइड एडिशनल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। तो ये एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट वन इज योक, तो वाइट पार्ट के अंदर एक येलो पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, एग योक। और ये एम्ब्रियो को, डेवलपिंग बेबी को फूड प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज एम्ब्रियो, इट इज़ द पार्ट विच ग्रो इन टू अ चिक। तो यही वो पार्ट है जिस जो आगे जाके चिक में कन्वर्ट होगा, डेवलपिंग बेबी मतलब बेबी में कन्वर्ट होगा। इट्स प्राइमरी फूड ऑफ सोर्स इज योक, तो ये अपना फूड सारा कहाँ से लेता है, एग योक से। थैंक यू स्टूडेंट्स।